एक मजेदार टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक टर्म डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखेंगे, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने वहां पे स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने के लिए खर्चा किया, टेनिस कोर्ट बनाया, बैडमिंटन कोर्ट बनाया, फुटबॉल ग्राउंड बनाया, सब कुछ बना दिया। उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई डाउट? अब उसकी इनॉग्रेशन हुई, उसकी इनॉग्रेशन हुई तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए मैंने करी पार्टी। आओगे पार्टी में? हाँ बेटा, बुलाया मैंने आपको पार्टी करी, खाने पीने पे बुलाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, मैंने इसलिए बुलाया आप आओगे, फैसिलिटी देखोगे, बिजनेस मिलेगा, यस और नो? इट इज अ मार्केटिंग कॉस्ट कि पार्टी दे रहे हैं, बट पर्पस था कि आओ आप एक बार ही देखो तो फैसिलिटी, एनवायरनमेंट कैसी है, खेलने लायक है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट कैन लीड टू जनरेशन ऑफ बिजनेस। अगेन सेम क्वेश्चन, तो जो पार्टी में खर्चा हुआ 10 लाख का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 10 लाख का खर्चा हुआ है पार्टी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर कितना हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है नहीं। खाना खत्म, पार्टी ओवर, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है ना? क्या उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है? नहीं है। अब ध्यान से देखना, मैंने उसकी इनॉग्रेशन के लिए, मैंने अपने स्टेडियम की इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, वहां पे क्रिकेट का भी था, तो विराट कोहली को बुलाया। किसको बुलाया? विराट कोहली को बुलाया। और मैंने कहा कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, विराट कोहली को भी बुलाया क्रिकेट के लिए, रोनाल्डो को बुलाया फुटबॉल के लिए, माइकल जॉर्डन जिंदा है अभी, ठीक है चलो बास्केटबॉल के लिए उसको बुला लेते हैं, ठीक क्या हो गया, दोस्त है अपने, बुला लिया, आ गए वो, पैसे लिए उन्होंने, फ्री में नहीं आए, पैसे लिए उन्होंने, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। क्या हुआ? ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। 1 करोड़ लिए कोहली ने, 1 करोड़ लिए आपके रोनाल्डो ने, और 1 करोड़ लिए जॉर्डन ने। साइना नेहवाल बिजी थी तो बैडमिंटन कोर्ट की इनॉग्रेशन इसने कर दी, देवांश ने कर दी, ये भी अच्छा खेलता है। तो ध्यान से देखना, हुआ आप भी कर देना साथ में, बैडमिंटन तो आप भी खेलते हो, कोई पॉइंट, आपको पैसे नहीं मिले लेकिन, ठीक है ना, आपको हम बैडमिंटन का रैकेट दे देंगे, लेकिन इन तीनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। क्वेश्चन अभी भी यही है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर वो बैडमिंटन वाला रैकेट जो मेरा है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लग रहा है, जो वो 3 करोड़ हुए वो भी रेवेन्यू? श्योर? ओके रेवेन्यू। उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? विल इट क्रिएट लॉन्ग टाइम बिजनेस और नॉट? मतलब जब आएंगे तो एनरोलमेंट्स बढ़ने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? पार्टी का इम्पैक्ट वो नहीं होगा, बट इनिशियली बता ना कि ब्रांड एम्बेसडर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके साथ कि हो सकता है 6 महीने बाद फिर आए, बट लेकिन मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो ब्रांड एम्बेसडर है हमारे कोहली क्रिकेट के लिए, और ठीक है जो भी है वो ब्रांड एम्बेसडर्स है हमारे, बट यस एडवर्टाइजमेंट का ही एक्सपेंडिचर हुआ है। आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन, उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? कैसे लॉन्ग टर्म? सर मार्केट पेनिट्रेशन होगी, एक तो मार्केट पेनिट्रेशन मतलब कि आपके प्रोडक्ट की खतरनाक ब्रांडिंग होगी, अवेयरनेस होगी, और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब एटलीस्ट 10 किलोमीटर के रेडियस से तो आएंगे ही आएंगे देखने के लिए कि हो क्या रहा है, एंड दैट माइट डेफिनेटली जनरेट लॉन्ग टर्म बिजनेस फॉर यू। माइट 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 तो है, इट्स सर इट इज नॉट नेसेसरी, आई एम ऑल्सो सेइंग इट इज नॉट नेसेसरी। वो कौन सा मेरे से साइन करके गए थे कि अगर बिजनेस जनरेट हुआ तो ही पैसे लेंगे? बट द पर्पस, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो बड़े बड़े स्टार्स ही क्यों हायर करते हैं अपने एंडोर्समेंट के लिए, कि आप ऐड देखो तो सही, आप उनकी बात सुनो तो सही, आप एक बार प्रोडक्ट लो तो सही, तो अगर पसंद आया तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बना ना, बट अगर ऐसे कोई रैंडम बंदा आ जाए तो आप ध्यान भी नहीं दोगे ना, आप ऐड चेंज कर दोगे, आप प्रोडक्ट शायद यूज भी ना करो,
तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, आपने बोला लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, टीवी वो तो गए एड टीवी पे नहीं आ रही थी एड, वो खुद आए थे ठीक है ना, वो खुद आए थे, बट बाहर पोस्टर लग गया कि यहाँ कोहली क्रिकेट पे कोहली का लगा हुआ है, फोटो है आपके साथ में, और बास्केटबॉल पे जॉर्डन का है, और फुटबॉल पे रोनाल्डो का है, हमारे साथ फोटोज भी हैं, तो विजिबिलिटी उतनी तो फोटोज तो खींच सकते हैं ना, ये थोड़ी ना कि हटाओ फोटो पैसे खत्म, नहीं वो तो अब चल रहा है ठीक है ना, बट वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं लॉन्ग टर्म। सर ऐसा लग रहा है आप लॉन्ग टर्म सुन के ही मानोगे, तो तो लॉन्ग टर्म आप वही बोलना जो आपके मन में हो। आर यू श्योर सर? नॉट श्योर सर, बिल्कुल भी श्योर नहीं। लॉन्ग टर्म नॉट श्योर, लॉन्ग नॉट श्योर, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग उदास क्यों हो रहे? नॉट श्योर, इवन आई एम नॉट श्योर कि मैंने उनको बुला के सही करा कि नहीं करा। खर्चा तो हो गया है, अब खर्चा तो हो गया है ठीक है ना, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट कि इससे मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा या शॉर्ट टर्म होगा। बट उन्होंने बोला, किन्होंने बोला सर? अकाउंटिंग बॉडी ICAI, और जिन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए, जैसे आप बोलते हो ना कि आपने बोला था, आपने बोला था, आपने बोला था, तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऐसा खर्चा हो, अगर कोई ऐसा खर्चा हो, क्या इससे कोई एसेट क्रिएट हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, एसेट तो क्रिएट हुआ ही नहीं, कोई उसकी बिल्डिंग थोड़ी ना खरीदी है, एसेट क्रिएशन कहाँ हुआ है? अगर कोहली ने आके यहाँ पे एक दो बॉल खेल दी और बस बोल दिया कि बस ये इससे बढ़िया स्टेडियम यहाँ फरीदाबाद पे नहीं है, कुछ भी है बोल दिया, मैं कह रहा हूँ एसेट क्रिएशन कहाँ हुआ है? कोई हुआ है क्या एसेट क्रिएशन? नहीं हुआ। 1 करोड़ दिए, वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एसेट क्रिएशन नहीं हुआ है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ है। बट तो हो गया सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई एसेट क्रिएशन नहीं हुआ है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिल सकता है, उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिल सकता है, मे एक्सटेंड टू अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो अगर कोई ऐसा आपने ह्यूज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, ह्यूज, जिसका बेनिफिट आपको लगता है, मैंने एड निकाली, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर आए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट या लॉन्ग टर्म? बिल्कुल शॉर्ट टर्म, साथ ही जाएंगे वो कबाड़ी के साथ, कि न्यूज़पेपर के साथ ही जाएंगे वो, तो वही लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। बट ब्रांडिंग, हायरिंग अ ब्रांड एम्बेसडर हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हैज अ लॉन्ग, मे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो उन्होंने बोला इसकी अकाउंटिंग फिर कैसे करना है, इसको मान सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का खर्चा हुआ, कह रहे यार कम से कम 2 साल का बेनिफिट तो मिलेगा इस, क्योंकि जो हमने कुछ भी, मैं कह रहा हूँ जो मेंबरशिप दे रहे हैं ना, 2 ईयर मेंबरशिप दे रहे हैं, तो इसकी वजह से काफी एनरोलमेंट हुई, जिसका बेनिफिट मुझे 2 साल का तो कम से कम मिलेगा, हो सकता है 4 साल मिले, हो सकता है 3 साल मिले, बट मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 2 साल मिले। तो अगर 2 साल भी लग रहा है ना, तो जो भी आपका खर्चा हुआ उसको 2 साल में डिवाइड कर दो। तो ये नहीं कि मिस्टर कोहली 50% अभी, 50% नेक्स्ट ईयर, नो, अगर मैंने मशीन खरीदी, पेमेंट तो इमिजिएटली कर दी ना पूरी, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करेंगे। तो अगर मैंने पेमेंट करी 1 करोड़, तो वो मैं पेमेंट तो पूरी कर चुका हूँ, बस उस 1 करोड़ को पूरा का पूरा उस पीरियड का एक्सपेंस ना मान के उसको 2 सालों में डिवाइड कर देंगे, तो 50 लाख पर ईयर खर्चा दिखाएंगे। तो जो 50 लाख आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर करने का मतलब ही होता है आगे पोस्टपोन कर देना, आगे ट्रांसफर कर देना, कह रहे इसको अभी डेफर करो। डेफर करो मतलब उसको करंट पीरियड का एक्सपेंस मत मानो, करंट पीरियड का एक्सपेंस मत मानो, क्यों? क्योंकि आगे हो सकता है हमें इसका बेनिफिट मिले, हो सकता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अकाउंटिंग ऑल्दो इज बेस्ड ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट देर आर इंस्टेंसेज वेर एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट बेटर एग्जाम्पल्स डेप्रिसिएशन और एस्टिमेटेड लाइफ के हैं, बट ये भी हम एक एस्टिमेट ही ले रहे हैं कि हो सकता है हमें बेनिफिट मिले।
इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटन ऑफ इन मोर देन वन ईयर. राइट ऑफ करने का मतलब होता है ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. तो ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज्यादा का बेनिफिट दे सकता है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, कह रहे है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इट इज रिटन ऑफ चार्ज एज एन एक्सपेंस इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर. कोई डाउट? एग्जाम्पल वही बताया, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपने एक लाख का खर्चा किया जिसमें से अगर मान लेते हैं कि दो साल का बेनिफिट है, तो जो आपने बेनिफिट एग्जॉस्ट कर दिया वो उस पीरियड का एक्सपेंस है. जो कैरी फॉरवर्ड करा उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट. क्या बोलते हैं उसको? फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस क्यों? कह रहे क्योंकि एक्चुअली तो कोई एसेट क्रिएट हुआ नहीं, बट आप ट्रीटमेंट इसके एसेट जैसे कर रहे हैं, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, तो क्या मान लेंगे इसको? फिक्टिशियस एसेट. तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो क्रिएट हो रहा है वही होता है फिक्टिशियस एसेट. एग्जैक्टली सेम थिंग. एसेट्स कमिंग इन टू एक्सिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री, मतलब कह रहे हैं कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बस, कि आप कैरी फॉरवर्ड करो, इसको डेफर करो. फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नीदर टैंजेबल नॉर इंटैंजेबल. ना वो कोई टैंजेबल एसेट है ना कोई इंटैंजेबल एसेट है, वो एसेट ही नहीं है. दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड. मैंने तो एक करोड़ का खर्चा किया था, बट उसको क्या पूरे का पूरा उसी पीरियड में एक्सपेंस माना? नहीं. तो मैंने पूरा राइट ऑफ नहीं करा. मैंने कहा नहीं, ये तो दो साल का बेनिफिट लग रहा है मुझे, अभी 50% राइट ऑफ कर दो. 50% अभी राइट ऑफ मत करो, 50% कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर में. तो जो राइट ऑफ हो गया वो तो उस पीरियड का एक्सपेंस है. जो आपने राइट ऑफ नहीं करा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. जो राइट ऑफ नहीं करा वो फिक्टिशियस एसेट है. तो एग्जाम्पल वही है, एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. अब दो अलग टर्म है, फिक्टिशियस एसेट एसेट की कैटेगरी में आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है. तो जानबूझ के साथ कराया मैंने, तो आपको एसेट्स करा दिया था. नॉन करेंट और करेंट होते हैं, तब तो मैंने टच भी नहीं करा फिक्टिशियस एसेट को, क्योंकि तब मैं नहीं समझा सकता था कि क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट. तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है ना? तो आप रिवाइज भी करें तो उसी ऑर्डर में करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर होगी. एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट ऑफ विच गेट्स एग्जॉस्टेड, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेस. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच मे लास्ट फॉर अ पीरियड मोर देन वन ईयर, जिसका एक्सपेंस पूरा राइट ऑफ ना हुआ हो. एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. बस लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट ना लिख के सिर्फ लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिख लेना. तो अभी हमने क्या क्या कर लिया? कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट्स.